आज इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं जीएसटी के दो नए सर्कुलर जो 17 नवंबर की डेट के हैं, नंबर है 166 एंड वन मोर 165। पहला जो सर्कुलर इशू किया गया है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन रिफंड रिलेटेड इशूज। तो इसमें जो क्लैरिफिकेशन किया गया ना, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी। इसमें क्लैरिफिकेशन किया गया है कि अगर आप कैश लेजर का रिफंड चाहते हैं, यानी जो आपके कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस है, अगर आप उसका रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसमें कुछ डाउट्स थे जिनको क्लियर किया गया है इस सर्कुलर में। पहला डाउट था टाइम लिमिट को लेकर, कि जो हमारी टाइम लिमिट होती है रिफंड क्लेम करने की, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस पे भी एप्लीकेबल है। ये एक डाउट अराइज हुआ था, इसकी क्लैरिफिकेशन डाली गई कि नो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54 रिगार्डिंग टाइम पीरियड विद इन विच एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी फिल्ड वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अगर आप कंफ्यूज थे कि कैश लेजर में आपका काफी टाइम से पैसा पड़ा हुआ है, ना तो आपका वो यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि आप कोई जीएसटी पे नहीं करें, या किसी भी रीजन से आपके कैश लेजर में अगर बैलेंस पड़ा है, तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं। एंड इवन अगर ये पुराना कैश लेजर बैलेंस है तो उस पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, आप किसी भी टाइम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कैश लेजर बैलेंस का रिफंड लेने के लिए कि सर्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन की नीड है, जो हम 89-2-1 रूल या 89-2-M रूल के अकॉर्डिंग देते हैं। तो यहां भी आंसर है नो, कैश लेजर बैलेंस का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको किसी भी तरह के सर्टिफिकेशन या डिक्लेरेशन को सबमिट करने की नीड नहीं है। दो क्लैरिफिकेशन। थर्ड क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब जब आपका कोई टीडीएस या टीसीएस काटता है जीएसटी में, तो आप उस टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न को फाइल करके जब वो क्लेम करते हो, तो वो चला जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो यहाँ पे लिखा है वेदर रिफंड ऑफ टीडीएस टीसीएस डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 एंड 52 कैन बी रिफंडेड एज एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कैश लेजर में जो बैलेंस है वो इसलिए आया बिकॉज आपने टीडीएस एंड टीसीएस का रिफंड लिया है, बिकॉज रिटर्न सबमिट की और आपका पैसा आ गया कैश लेजर में, तब भी क्या आप उस बैलेंस का रिफंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर पर्सन टू यूटिलाइज द टीडीएस टीसीएस अमाउंट क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग टैक्स लायबिलिटी। तो ऐसा नहीं है कि टीडीएस या टीसीएस की जब आपने रिटर्न भरी और उसके पास पैसा जो आपके कैश लेजर में आ गया, जरूरी नहीं है उससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करो। रजिस्टर्ड पर्सन इज एट फुल लिबर्टी, उसको पूरी छूट है टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाइज मेड बाय हिम ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड ईदर थ्रू डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और थ्रू डेबिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज पर हिज चॉइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द बैलेंस इन द सैड लेजर। और जो भी अमाउंट अनयूटिलाइज रहेगा कैश लेजर में After discharging the dues under CGST and rules made thereunder, can be refunded to the registered person as excess balance in electronic cash ledger. तो चाहे आपके कैश लेजर में बैलेंस TDS TCS के रिफंड से भी आया हो, तब भी आपको उसके रिफंड को क्लेम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है whether relevant date for the refund of tax paid on कौन सी supplies पे, on supplies regarded as deemed export. Deemed export के लिए यह relevant date की बात की जा रही है। Deemed export by recipient is to be determined as per clause B of explanation 2 under section 54 of CGST Act. And if so, अगर उस पर यह explanation applicable है, if so, then the date of return, तो date of return किसकी लेनी है, whether the date of return filled by supplier लेनी है या date of return filled by recipient लेनी है, will be relevant for the purpose of determining relevant date of such refund. तो deemed export के लिए भी ये वाली clarification मांगी गई थी, relevant date के लिए confusion थी, तो वो यहाँ पे clarify किया गई है। पहले section 54 के clause B के explanation 2 को यहाँ पे बताया गया है। In the case of supply of goods regarded as deemed export, where a refund of tax paid is available in respect of the goods, the date on which the return related to such deemed export is furnished. So, relevant date के लिए यहाँ पे कौन सी date को consider करना है? The date on which return relating to such deemed export is furnished. जब उस deemed export से related return भर दी गई है, तो ये return को भी लेके confusion थी कि किसकी return देखनी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको इसके लिए जो return देखनी है, थोड़ा नीचे आइए आप। The tax on supply of goods regarded as deemed export would be paid by the supplier in his return. Therefore, relevant date
फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई वुड बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न रिलेटेड टू सच सप्लाई बाय द सप्लायर। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे चार पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए थ्रू द नोटिफिकेशन 166। अब हम बढ़ते हैं नंबर 165 पे। इससे पहले मैं आपको ले आई हूँ studybuddy.com पे, क्या हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं? जीएसटी, इनकम टैक्स, 99C एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड। ये है नोटिफिकेशन नंबर 165। इसका सब्जेक्ट है, ये किस लिए आई है? क्लैरिफाई करने के लिए किसे? इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन बी टू सी इनवॉइसेस पे क्या क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है एंड कंप्लायंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14/2020। यहाँ पे एक्चुअली हर तरह के बी टू सी इनवॉइस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बी टू सी इनवॉइसेस पे क्यूआर कोड को मेंशन करने के लिए कंफ्यूजन थी, उसको यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है और उसी के लिए क्लैरिफिकेशन दी जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया कि उन गवर्नमेंट के पास रेफरेंस आया फ्रॉम ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्यूआर कोड ऑन बी टू सी इनवॉइसेस फॉर कंप्लायंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 14। इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड दैट इन सम केसेस, कौन से केसेस? वेयर दो द सर्विस रिसिपेंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो रिसिपेंट है सर्विस का, जो रिसिपेंट है वो रहता है आउटसाइड इंडिया, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है वो है इन इंडिया। तो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहां पर है? इंडिया में। ठीक है, एज पर आईजीएसटी एक्ट, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन इंडिया नॉट इन फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो भी इंडिया में लोकेट करता है, और इसको जो पेमेंट रिसीव हुई है वो फॉरेन करेंसी में नहीं हुई है बल्कि बट थ्रू अदर मोड अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। इन सच केसेस द सप्लायर विल नॉट बी फुलफिलिंग द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 4 ऑफ सर्कुलर नंबर 156। यहाँ पे एक और सर्कुलर की बात की गई, सर्कुलर नंबर 156, उसके सीरियल नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि वो कंडीशन ये वाली कैटेगरी की सप्लाई फुलफिल नहीं कर पा रही है एंड अकॉर्डिंगली विल बी रिक्वायर्ड टू हैव डायनामिक क्यूआर कोड इन द इनवॉइस। इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि शायद इस सिचुएशन में भी, इस तरह की सप्लाई के केस में क्यूआर कोड मैंडेटरी है, तो इसी के लिए क्लैरिफिकेशन मांगी गई। और क्लैरिफिकेशन करते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है, इवन जो हमारा सर्कुलर है नंबर 156 उसमें पैराग्राफ को सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे नंबर 4 को। इन केसेस वेयर रिसीवर ऑफ सर्विस इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय सप्लायर ऑफ सर्विस थ्रू आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस इज इंडिया, देन सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इस केस में जो ये सप्लाई है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। ठीक है, इसीलिए वेदर इन दिस केसेस द डायनेमिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड ऑन इनवॉइस इशूड फॉर सच सप्लाई, ये पूछा गया टू सच रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो फिर यहाँ पे आंसर है नो। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के केस में, इस पर्टिकुलर सप्लाई के केस में क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर एवर एन इनवॉइस इज इशूड टू अ रिसिपिएंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर विच द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, ठीक है, एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन बाय सप्लायर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इन इंडियन रूपी वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई, सच इनवॉइस में बी इशूड विदाउट हैविंग अ डायनामिक क्यूआर कोड एज सच डायनामिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज बाय द रिसीपेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। और इसीलिए सर्कुलर नंबर 156 को मॉडिफाई कर दिया गया है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्लैरिफिकेशन है पर्टिकुलर एक ही सप्लाई के लिए थी, बी टू सी की सारी सप्लाईज के लिए ये क्लैरिफिकेशन नहीं थी, इस सप्लाई के लिए थी। ठीक है, तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी। मैं आपको ले आई हूँ हमारे कोर्सेज की तरफ। हमारा इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स एक्टिव है, नए पोर्टल पे कैसे आपको आइटम 1, 2, 3, 4 फाइल करनी है डिटेल में सिखाया गया, 30+ आवर्स का ये कोर्स है। जीएसटी अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की 99C की डेट नियर है, अगर आप उसे विदाउट एनी एरर फाइल करना चाहते हैं आप ये सेशन ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए हमारे मोस्ट पॉपुलर कोर्स लीजिए, ट्रायल्स ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।